दोस्तों, जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीब को भी झुकना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि आप यदि मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और मन मुताबिक यदि सफलता नहीं मिल रहा है तो आप निराश ना हो, क्योंकि बड़ी मंजिल के राहगीर छोटे दिल नहीं रखा करते। कभी भी आपके मन मुताबिक सफलता न मिले तो आप उदास न हो, क्योंकि कठिन रोल जो ईश्वर हमेशा कठिन रोल अच्छे एक्टर को ही देते हैं। यदि आपको बड़ी उपलब्धियां चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको बड़ी बुलंदियों तक पहुंचना है तो आपको धैर्य बनाना बहुत जरूरी है। और यदि आपके जीवन में आपने धैर्य बनाया है और कड़ी मेहनत, ऊंची सोच और पक्का इरादा के बल पर यदि आप निरंतर मेहनत कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल सही है कि बार बार असफल होने के बाद भी आप जीवन से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और एक दिन आपके सफलता कदम जरूर चूमेगी। दोस्तों, मैं एक स्टोरी से आप तक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे मिलने आते हैं तो जो क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो उतने नंबर ऑफ सीट नहीं रहते हैं जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन क्या है कि सभी ने मेहनत किया है, किसी ने कम हो या अधिक हो, सभी ने नियमित रूप से अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत किया है। लेकिन क्या होता है कि जो भी सेक्टर में आप जा रहे हैं या आपका लक्ष्य है तो एक सीमित सीट होते हैं। लेकिन क्या है कि यदि आप एक नंबर, दो नंबर के लिए छट भी गए तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने शिक्षा ग्रहण किया है वह उन बच्चों से आप बहुत आगे हैं जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया था। उन्होंने क्या किया कि उनको था कि यार अब पढ़ाई नहीं करना है। आपने यदि असफल हुए तो आपका प्रयास जो था, आपने 2 साल 3 साल 4 साल आपने मेहनत किया, कुछ ना कुछ आपने नॉलेज गेन किया और नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाते हैं। दोस्तों, घड़ी की सुई यदि 3 पर है तो कभी ना कभी वो 12 पर जरूर आएगी, और 12 पर है तो फिर कभी ना कभी 3 पर जरूर आएगी। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि यदि आपका किस्मत अभी साथ नहीं दिया तो आप हार ना माने, आप निरंतर मेहनत करते रहे, एक दिन जरूर है कि मेहनती इंसान का किस्मत जरूर साथ देता है। इसीलिए मैंने बोला था शुरू में ही कि बड़ी मंजिल के राहगीर छोटा दिल नहीं रखा करते। दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं कि किसी गांव में, और यह प्रचलित, बचपन में आपने यह स्टोरी पढ़ा भी होगा कि किसी गांव में 2 लोगों रहते थे, मतलब गांव एक समूह का था, लेकिन क्या है कि 2 लोगों पर वो एक स्टोरी आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक अमीर और गरीब के बारे में। और उन्हीं एक गरीब जो था वो हमेशा ईश्वर को कोसता था कि हमें आपने गरीब बना दिया, वह तो अमीर है। बार बार वो ईश्वर को कोसता था जो गरीब इंसान था। एक बार ईश्वर क्या किए कि इस बार बार ये ईश्वर को ही दोषी ठहराता था, तो ईश्वर ने क्या किया कि पृथ्वी पर वो प्रकट हुए और उन्होंने अमीर और गरीब दोनों को एक समान, गरीब तो पहले से ही गरीब था, अमीर को भी गरीब कर दिया, और दोनों के मेमोरी मतलब याददाश्त जो है वो चला गया। मतलब याददाश्त का मतलब क्या है जी, कि ये गरीब को ये नहीं फील होना चाहिए कि मैं गरीब था, और अमीर को ये नहीं फील होना चाहिए कि मैं अमीर था। दोनों को इस सोच से बाहर निकालकर एक नई जीवन प्रारंभ करने के लिए
उन्होंने दोनों को एक समान बना दिया। मेरा कहने का मतलब था एक समान बनाना। उसके बाद ईश्वर ने मछली पकड़ने वाला डंडी जो है दोनों को दे दिया। जो अमीर था, मतलब अब वो भी गरीब हो चुका है, लेकिन मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बस उसका नाम मैं बार बार अमीर बोलूंगा, लेकिन अब वो भी गरीब हो चुका है, गरीब तो गरीब था ही, दोनों एक समान हो चुके हैं। तो दोनों को मछली पकड़ने वाला डंडी दे दिया और उन्होंने बोला कि आप लोग अपना जीवन प्रारंभ करें। दोनों मछली पकड़ने के लिए गए। दोनों ने लगभग लगभग 50 मछलियां पकड़ा और दोनों शाम को वापस आ गए और करीब 4000 रुपए में दोनों ने मछली को बेचा। दोनों के पास अब 4000 रुपए थे पहले दिन के प्रयास पर। जो गरीब इंसान था उस 4000 रुपए में अपने पारिवारिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होता है, जो उसका डेली लाइफ रूटीन होता है, जो मतलब कि दाल सब्जी बच्चों को जो भी पढ़ाना लिखाना जो भी होता है उस दिनचर्या में वो लग गया। जो अमीर सोच का व्यक्ति था उसने क्या किया कि उस 4000 रुपए में से 2000 रुपए में एक और मछली की डंडी खरीदी। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। 4000 रुपए में से 2000 रुपए में उसने एक और मछली की डंडी खरीदा और बचा हुआ 2000 रुपए में से उसने जो 1500 रुपया है वो अपने परिवार के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पहला दिन वो खर्च किया और 500 रुपया वो बचा लिया। अब देखिए, जो गरीब इंसान था फिर अगले दिन फिर मछली पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसके पास सिर्फ एक डंडी ही है। और जो अमीर सोच वाला व्यक्ति था अब उसके पास दो डंडी हो गया और एक इंसान को उसने नौकरी पर रख लिया। अब दोनों दूसरे दिन जो था दोनों शाम को आए अपना मछली पकड़कर। अब जो गरीब इंसान था उसके पास फिर अगले दिन 4000 रुपया आया और अपना वही डेली लाइफ रूटीन था, खाने पीने की जो आवश्यकताएं हो पूर्ति करते गए। लेकिन जो अमीर सोच वाला व्यक्ति था उसके पास अब 8000 रुपए थे, क्योंकि खुद तो मछली पकड़ता था और एक इंसान और को काम पर रख चुका था। और उस 8000 रुपए में से उसने 1000 रुपए उस इंसान को दिया जिसको उसने नौकरी पर रखा था, जिसको रखा था उसको दे दिया। अब इसके पास 7000 रुपए बचे। 7000 रुपए थे और 500 रुपया पिछला दिन का बचा ही था। और क्या किया कि फिर उसने 2000 रुपए का एक और डंडी खरीदा। और फिर था कि पिछले दिन क्या था कि मान लीजिए कि जो 1500 रुपए में उसने परिवार का खर्च थोड़ा सा कष्ट करके किया, लेकिन अगले दिन थोड़ा सा और मेंटेन किया, 2000 रुपए खर्च उसने परिवार की आवश्यकताओं पर किया। अब एक सिस्टमेटिक पैटर्न देखिएगा कि इसका क्या हुआ कि फिर जो अगले तीसरे दिन क्या हुआ कि एक और डंडी खरीदा 2000 रुपए का। अब क्या हुआ कि गरीब इंसान फिर तीसरे दिन भी गए तो वो अकेले जा रहा है, फिर वो 4000 रुपए का मछली पकड़ के आया और शाम को वही डेली लाइफ रूटीन है को मतलब कि परिवार की आवश्यकताओं में खर्च, मतलब वैसे ही जैसे वो मजदूर की तरह वो अपना जीवन जी रहा था। लेकिन जो अमीर सोच वाला व्यक्ति था उसने दो लोगों को नौकरी पर रख दिया था और तीसरे दिन उसने 12000 रुपया कमाया था। दोस्तों, इस कहानी से बस ये मैं शिक्षा देना चाहता हूं कि वो अमीर इंसान अब सिस्टमेटिक पैटर्न के बाद आप देखिएगा तो 1.5 महीना के बाद उसकी स्थिति फिर से बेहतर हो गई। साल भर के बाद और बड़ी सोच और बहुत लोगों को उसने काम पर रख लिया और वो बहुत अपने जीवन में खुश रहने लगा। और गरीब इंसान पुनः उसी स्थिति में आ गया जब कई महीने बीत गए और उसका वही स्थिति आ गया कि ईश्वर को दोष देने लगा फिर से कि ईश्वर जो हैं, जो हम गरीब हैं तो वो ईश्वर के चलते हैं। दोस्तों, स्थितियां दोनों को अनुकूल मिला था लेकिन किसी की सोच जो थी सकारात्मक थी। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है
कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। जय हिंद, जय भारत।